भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। बालाकोट के पास फेलोसी पर दो आतंकवादी ढेर। सेना के मुताबिक आतंकवादियों के पास से एक AK-47 राइफल बरामद, 30 राउंड गोलियां, दो हैंड ग्रेनेड और पाकिस्तानी दवाएं भी बरामद की गई। सेना की घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी सेना को घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी सर्च ऑपरेशन के दौरान घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों से हुई मुठभेड़। सेना के जवानों के ललकारने पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मार गिराए गए। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम की। नगरोटा में हाईवे के पास IED बरामद किया। प्लास्टिक के लिफाफे में रखा था टाइमर लगा IED। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को लिफाफा नजर आया। पुलिस की स्निफर डॉग्स की मदद से IED का पता लगाया गया। मौके पर पहुंची बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने IED को डिफ्यूज किया। बेहद सावधानी के साथ IED को निष्क्रिय किया गया। पीएम मोदी का आज से 4 दिन का विदेश दौरा। 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहेंगे पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने दिया है निमंत्रण। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। कई और नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। दक्षिण अफ्रीका के बाद 25 अगस्त को ग्रीस जाएंगे पीएम मोदी। ग्रीस के पीएम के निमंत्रण पर जा रहे हैं। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का हो रहा है ग्रीस दौरा। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा को लेकर बोले विदेश सचिव विनय क्वात्रा, दोनों पक्ष व्यापार और निवेश पर करेंगे चर्चा, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर भी होगी बात। पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर बोलते हुए भारतीय समुदाय के लोगों ने कहा पीएम मोदी की यात्रा बेहद फायदेमंद साबित होगी। भारतीय समुदाय के लोगों ने कहा पीएम मोदी के सभी भाषण और विचार बहुत भविष्यवादी हैं, इससे भारतीय समुदाय को मदद मिलेगी। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोग उत्साहित, बोले हम पीएम मोदी के लिए राखी समारोह का भी आयोजन करने जा रहे हैं। इतिहास रचने से केवल एक दिन दूर है चंद्रयान 3। अगले 24 घंटे बेहद अहम। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंड कराने की कोशिश करेंगे वैज्ञानिक। इसरो सेंटर में लगातार की जा रही है चंद्रयान 3 की मॉनिटरिंग। बार बार चेक किए जा रहे हैं पैरामीटर्स। चंद्रमा पर उजाला होने का इंतजार कर रहे हैं वैज्ञानिक। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का संपर्क स्थापित। 2-वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर से कहा स्वागत है। इसरो ने चंद्रयान 3 की नई तस्वीर जारी की। खतरे का पता लगाने में एक्सपर्ट कैमरे से ली गई हैं तस्वीरें। अभी चंद्रमा की सतह से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है चंद्रयान। 23 अगस्त को साउथ पोल पर उतरेगा चंद्रयान 3। 2 घंटे पहले लेंगे चंद्रयान की लैंडिंग का फाइनल कॉल। इसरो के वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई ने कहा लैंडर और चांद की स्थिति का लेंगे जायजा। चांद और लैंडर की स्थिति ठीक होने के बाद ही लैंडिंग का प्रोसेस होगा, वरना 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा देंगे प्रोसेस। इसरो के वैज्ञानिक नीलेश का बयान। पूर्व इसरो चीफ के सिवन ने जताई उम्मीद इस बार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होगी। करीना कपूर ने कहा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल होगा, मैं भी अपने बच्चों के साथ लैंडिंग देखूंगी। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने उठाए सवाल। पार्टी के हिंदुत्व की तरफ बढ़ते कदमों पर जताई नाराजगी। अजीज कुरैशी ने कहा कांग्रेस के लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये डूब मरने वाली बात है। मध्य प्रदेश के विदिशा में राजीव गांधी के जयंती के दिन का वीडियो सामने आया। अल्पसंख्यक सम्मेलन में शामिल हुए थे अजीज कुरैशी, कहा हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे। कल्याण सिंह के गढ़ से अमित शाह का तीखा प्रहार, बोले कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर को अटकाया लटकाया भटकाया, उन्होंने मंदिर के लिए दे दी थी अपनी कुर्सी की कुर्बानी। अलीगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा 2024 में 73 सीटों का रिकॉर्ड टूटेगा। सीएम योगी ने बताई सरकार की उपलब्धि। बीजेपी सरकार में पता चला सुरक्षा और सुशासन का माहौल कैसा होता है। बंगाल विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। 7 से 8 दिनों तक सदन की कार्यवाही चलने की संभावना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के आगे नहीं झुकाएंगे सिर। ममता बनर्जी का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ 6 महीने और रहेगी, इसके बाद वे सरकार में नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव भड़काने में जुटी, कुछ अल्पसंख्यक नेताओं को कर रहे हैं फंडिंग। सीएम ममता बनर्जी का बयान बंगाल में NRC लागू नहीं होने दूंगी, इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। जल्द ही राजस्थान का विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी गहलोत सरकार। आज इस संबंध में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे सीएम गहलोत। राजस्थान के टोंक में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे सचिन पायलट, जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आरोप, राजस्थान के विधायक लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा पीएम के राजस्थान दौरे से सीएम गहलोत की धड़कनें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के सागर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रैली में मौजूद रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक होगी, बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव।
राहुल गांधी इन दिनों लेह लद्दाख दौरे पर हैं। सोमवार को राहुल अचानक लेह के मेन मार्केट में पहुंचे। राहुल ने लेह मेन मार्केट में लोकल प्रोडक्ट्स देखा और शॉपिंग की, बाजार में लोगों से बात भी की। राहुल गांधी पर आरोप लगाकर पीएम की कुशासन और विफलताओं को नहीं छिपा सकती बीजेपी, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान। चीन पर राहुल के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने सहमति जताई, कहा मोदी सरकार सच नहीं स्वीकार कर रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण। 2 सितंबर को राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर बोले सीएम बघेल, रायपुर में होगा युवाओं का सम्मेलन। गोपालगंज में बोले लालू यादव, लोकतंत्र में विश्वास रखने और समान विचारधारा वाले 18-19 दल साथ आए हैं, पटना से बंगलुरु तक हुई हैं बैठकें। लालू यादव ने कहा 30 या 31 अगस्त को मुंबई में हमारी एक और बैठक होगी जहां सभी दल आगे की रणनीति पर करेंगे मंथन। बिहार में पुराने अंदाज में रथ यात्रा पर निकले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, गोपालगंज में करेंगे पत्नी राबड़ी देवी के साथ पूजा अर्चना। बीआरएस ने 119 सीटों पर जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, गजवेल कामारेड्डी 2 सीटों से लड़ेंगे केसीआर। लिस्ट जारी होने पर केसीआर का दावा, चुनाव में बीआरएस जीतेगी 95 से 105 सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी के दबाव में प्रशासन कोर्ट जा रहा है, हम अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान आज करेंगे चंडीगढ़ में प्रदर्शन, पंजाब और हरियाणा के सीएम के आवास पर कर सकते हैं घेराव। किसानों ने की बारिश और बाढ़ में बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग, पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलने पर किया प्रदर्शन का ऐलान। पंजाब के संगरूर में पुलिस और किसानों के बीच जोरदार भिड़ंत, लाठीचार्ज में घायल एक किसान की इलाज के दौरान मौत हुई। 16 किसान संगठनों के आह्वान पर चंडीगढ़ जा रहे किसानों को पुलिस ने लोंगवाल में रोका, किसानों ने विरोध में किया हंगामा। हंगामे में पुलिस के एक इंस्पेक्टर घायल हुए, पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस के एक्शन के बाद किसानों ने संगरूर में पुलिस स्टेशन के सामने दिया धरना, मारे गए किसान के लिए इंसाफ की कर रहे हैं मांग। पुलिस का आरोप, किसानों ने रोके जाने पर पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। दिल्ली सरकार का निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी गिरफ्तार, दोस्त की बेटी से रेप का आरोप। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, कहा बेटियों की सुरक्षा करने वाला ही बना दरिंदा। डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल का अस्पताल में धरना, प्रशासन और अस्पताल में पीड़ित नाबालिग लड़की को कराया गया है भर्ती। स्वाति मालीवाल ने कहा दिल्ली पुलिस ने मुझे पीड़िता और उसके परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पीड़िता से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। दिल्ली नाबालिग रेप मामले पर एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो का बयान, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म पर हरीश रावत ने कहा यह बहुत निंदनीय है, एक वरिष्ठ अधिकारी जिसे संरक्षण देना चाहिए था वो इस तरह का अपराध कर रहा है। हरीश रावत ने कहा समाज इस अपराध को कभी भी किसी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता, मामले में पुलिस करे सख्त कार्रवाई। बीजेपी नेता सना खान मर्डर केस में खुलासा, आरोपी पति अमित साहू हनी ट्रैप के लिए करता था यूज। लैंड फॉर जॉब मामले में आज होगी सुनवाई, सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी और मीसा भारती को बनाया गया है आरोपी। राघव चड्डा बंगला मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई, सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ दायर की गई है याचिका। वाराणसी के ज्ञान वापी मामले में आज जिला अदालत में होगी सुनवाई, कोर्ट से हिंदू प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित रखने का आदेश देने की मांग की गई। अभिनेता रजनीकांत उत्तर प्रदेश की अपनी यात्रा खत्म कर चेन्नई पहुंचे, बीती रात पहुंचे अपने घर। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी कोई राजनीतिक यात्रा थी, रजनीकांत ने कहा मैं वहां अपने दोस्तों से मिलने गया था, एक अद्भुत यात्रा थी। लखनऊ में राजा भैया से सुपरस्टार रजनीकांत ने मुलाकात की, राजा भैया ने ट्विटर पर शेयर की मुलाकात की तस्वीरें। सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने लखनऊ दौरे को बताया एक्सलेंट, नेताओं के साथ हुई बैठक को भी बताया बढ़िया। जौनपुर में निमोनिया और डायरिया का कहर, 4 बच्चों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में मछली पालन के लिए खोदे गए तालाब में डूबने के कारण 3 बच्चों की गई जान, गांव में पसरा मातम। गाजियाबाद में 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर व्यवसायी से 23 लाख रुपए लूटे, स्कूटी ओवरटेक कर बाइकर्स गैंग ने की लूट। यूपी के बांदा में मामूली बात पर दबंगों ने युवक को चाकुओं से गोद दिया, युवक की अस्पताल में हुई मौत। एक्टर सनी देओल का बंगला अब नहीं होगा नीलाम, बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रॉपर्टी की नीलामी पर लगाई रोक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैंक ऑफ बड़ौदा के फैसले पर उठाए सवाल, कहा 24 घंटे में फैसला क्यों बदला। जुहू बंगले को लेकर सनी देओल ने कहा मामले को सुलझाने का प्रोसेस जारी है, जल्द ही समाधान होगा। सनी देओल बंगला विवाद पर बैंक ऑफ बड़ौदा का बयान, एक्टर ने बकाया राशि का निपटाना करने की पेशकश की है। मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए संजय राउत, मानहानी मामले में 15,000 के मुचलके पर मिली जमानत। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को राहत, हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे में दी जमानत, जेल से रिहा करने का आदेश। नू हिंसा के दौरान प्रशासन की अपील का असर, सिंगार गांव के लोगों ने हिंसा के 5 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। बिहार में बेखौफ अपराधियों की करतूत, वैशाली जिले के एक पैक्स अधिकारी अध्यक्ष को मारी गोली। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 20 लाख से ज्यादा का सोना जब्त, शारजाह से आ रहा था यात्री। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट।
देहरादून टिहरी पौड़ी नैनीताल चंपावत और बागेश्वर में बारिश की चेतावनी, लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत। हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 24 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। हमीरपुर में बोले अनुराग ठाकुर, हिमाचल को पहले ही 662 करोड़ की राहत राशि दी गई, प्रधानमंत्री ने अतिरिक्त 200 करोड़ की राहत राशि को मंजूरी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2700 करोड़ आवंटित किए जाएंगे, पक्के मकान और घर मरम्मत के लिए भी रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली में तेज रफ्तार पानी की चपेट में आने से बाल बाल बचा शख्स, पुलिस की लोगों से सतर्क रहने की अपील। देहरादून में 30 बारिश से भारी नुकसान, टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर का एक हिस्सा ढह गया। कानपुर में बाढ़ जैसे हालात, गंगा में उफान के बाद जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। आज 3 दिन के दौरे पर गोवा जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विधायकों को संबोधित करने के साथ ही यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी, 5 साल में 13.5 करोड़ लोग आए गरीबी रेखा से ऊपर। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, 2014 से पहले बड़े पैमाने पर था घोटाला और भ्रष्टाचार, आज गरीब के खाते में मिल रहा है पैसा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ, कहा राष्ट्र के लोगों की सेवा का काम जारी रहेगा। तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कर्नाटक के कई जिलों में सूखा और सरकार को परवाह नहीं। कर्नाटक सरकार पर बरसे राजीव चंद्रशेखर, कहा इनको किसानों का दर्द नहीं है पता, डीएमके के दबाव में पानी दे रहे हैं। बहुविवाह बैन को लेकर असम सरकार ने जनता से मांगी राय, 30 अगस्त अंतिम तारीख। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5,580 शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र, नव नियुक्त शिक्षकों से पीएम ने की बात। क्राइम रोकने के लिए हिंदू पंचांग का सहारा लेके यूपी पुलिस डीजीपी विजय कुमार ने फील्ड में तैनात अफसरों को जारी किया आदेश। हरियाणा 20 में 20 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर का तबादला कर एडीजीपी प्रशासन नियुक्त किया। सिडनी में मालाबार युद्धाभ्यास का 27वां एडिशन खत्म, भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नेवी के बीच हुआ युद्धाभ्यास। गुजरात के सूरत में किरण अस्पताल की पहल, हेल्थ मिनिस्टर ने सीनियर सिटीजन हेल्थ केयर योजना का शुभारंभ किया। सीनियर सिटीजन के लिए फ्री एम्बुलेंस की सुविधा, इमरजेंसी में घर पहुंचेगी डॉक्टर्स की टीम, स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सीएम योगी का आदेश, सुरक्षा के लिए 1 महीने में तैनात हूं विशेष सुरक्षा बल। दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा आज करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, शाम 7 बजे द्वारका के हनुमान मंदिर में पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में हिलेरी तूफान का कहर, कैथेड्रल सिटी में बाढ़ के बाद भरा कीचड़, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां कीचड़ में डूबी, लोगों को आवाजाही में हो रही है मुश्किलें, घरों में भी भरा कीचड़। तूफानी हवा में सैकड़ों पेड़ उखड़े, राहतकर्मी रिहायशी इलाकों और हाईवे पर कीचड़ को साफ करने में जुटे। दक्षिणी कैलिफोर्निया के यूकीपा में भी हिलेरी तूफान ने मचाई तबाही, बाढ़ के बाद सड़कों पर भरा कीचड़, बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कों को नुकसान हुआ, कई पुल टूटने से आवाजाही प्रभावित। मेक्सिको में बजा कैलिफोर्निया में चक्रवाती तूफान का कहर, तेज हवा और भारी बारिश ने मचाई तबाही। बाजा कैलिफोर्निया में सड़कों और घरों में भरा पानी, तेज हवा की वजह से कई पेड़ उखड़े, बिजली हुई ठप। लोगों को बचाने के लिए मेक्सिको एयरफोर्स और आर्मी के जवान जुटे, बोट की मदद से कई लोगों को बचाया गया। वेस्ट बैंक में एक संदिग्ध फिलिस्तीनी ने गोलीबारी की, एक इजरायली महिला की मौत। हमलावर ने कार में बैठी महिला पर की फायरिंग, महिला के पास बैठा हुआ शख्स घायल। गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हुआ, हमले की वजह साफ नहीं, पुलिस ने की नाकेबंदी। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने गोलीबारी और महिला की हत्या की निंदा की, ईरान पर लगाया हमला करवाने का आरोप। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक ईरान इसराइल में आतंकवादी हमलों को बढ़ावा दे रहा है, फंडिंग करने का भी आरोप लगाया। अमेरिका के मिलवॉकी में गोलीबारी की, 3 अलग अलग घटनाएं, एक शख्स की मौत, 13 घायल। पुलिस ने अभी तक 2 युवकों को गिरफ्तार किया, दोनों युवक 22 साल के, हमलों की वजह से अभी तक जानकारी नहीं। अमेरिका के वॉशिंगटन में आग ने मचाई भारी तबाही, 35,000 एकड़ के इलाके में सब कुछ खाक। वॉशिंगटन प्रशासन के मुताबिक शुक्रवार को लगी थी आग, सैकड़ों पेड़ और इलाके में मौजूद गाड़ियां देखते ही देखते खाक। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू, 31 अगस्त तक चलने वाले युद्धाभ्यास में 20 फाइटर करेंगे शिरकत। दक्षिण कोरिया के मुताबिक युद्धाभ्यास के दौरान 30 फील्ड ट्रेनर इवेंट में किए जाएंगे, पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा युद्धाभ्यास किए गए। नेपाल के अगले चीफ जस्टिस का हुआ चयन, सर्वसम्मति से विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ का हुआ चयन। ग्वाटेमाला में बर्नार्डो एरेवालो ने जीता राष्ट्रपति का चुनाव, पूर्व प्रथम महिला सैंड्रा टोरेस को पछाड़ा। सरकार ने टमाटर की कीमत में गिरावट का भरोसा दिया, नई फसल के साथ कीमत 50 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाए जाने को बताया अस्थायी, घरेलू सप्लाई बढ़ाने और कीमत नियंत्रण की दी दलील।
प्याज पर गरमाई, महाराष्ट्र की सियासत, 40% निर्यात शुल्क के विरोध में नासिक के किसान सड़क पर उतरे। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री भारती पवार, प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किसान और ग्राहक के हित में। जियो फाइनेंशियल के शेयर की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग, बीएसई पर 265 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, रोहित शर्मा होंगे कप्तान, हार्दिक पांड्या को मिली उपकप्तानी। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की हुई टीम में वापसी, सैमसन को रिजर्व खिलाड़ी के रूप में मिली जगह है। तिलक वर्मा की वनडे टीम में एंट्री, एशिया कप के लिए टीम में किए गए शामिल। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी, युजवेंद्र चहल को टीम से किया बाहर। रोहित शर्मा को बड़ा बयान उनका सामने आया, कहा बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एशिया कप स्क्वाड में ऋषभ पंत के शामिल नहीं किए जाने पर बोले रोहित शर्मा, पंत अभी तक इतने फिट नहीं है कि वो एशिया कप के लिए खेल सके। अक्षर पटेल के सिलेक्शन पर रोहित शर्मा ने जवाब दिया, कहा अक्षर ने इस साल अच्छा प्रदर्शन किया है, 8 और 9 पोजीशन में कर सकते हैं अच्छी बल्लेबाजी। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की फिटनेस पर जताई चिंता, अश्विन और चहल को टीम से बाहर किए जाने पर जताई हैरानी। एशिया कप में शुभमन गिल और तिलक वर्मा का जमकर चलेगा बल्ला, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने जताई उम्मीद। टीम इंडिया की चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की समस्या पर बोले सौरव गांगुली, किसी एक खिलाड़ी को लंबे समय तक मौका देना चाहिए। सौरव गांगुली ने टीम इंडिया पर जताया भरोसा, कहा भारत के पास हमेशा वर्ल्ड कप जीतने का मौका रहेगा। एशिया कप से पहले क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने कहा बुमराह श्रेयस की वापसी से टीम मजबूत हुई है, एशिया कप जीतने का दावा किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए एमएस धोनी को दिया क्रेडिट, कहा माही भाई हमेशा कहते हैं फ्यूचर की टेंशन मत लो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, यूपी में निजी क्षेत्र में खेल अकेडमियों की मदद करेगी सरकार। भारत की निशानेबाज स्विफ्ट कौर समरा ने कमाल किया, भारत के लिए 6ठा ओलंपिक कोटा हासिल किया। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में अलकाराज को हराया, जीता सिनसिनाटी ओपन खिताब। एशियाई खेलों से पहले पाकिस्तान मेंस हॉकी टीम का पूरा कोचिंग स्टाफ बर्खास्त, चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी पर हुई कार्रवाई।